बॉब हेयर कट करने वाले हैं। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले गाइज मैं आपको बिफोर टेक्सचर दिखाऊंगा कि मैम का बिफोर टेक्सचर बिफोर लुक कैसा है। यहाँ पे शॉर्ट लेंथ है हमारे पास, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने हेयर कट को। यहाँ पे हम करेंगे बॉब हेयर कट, ओके, शॉर्ट लेंथ के अंदर, बहुत ही ईजी है गाइज। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेडियल सेक्शन लिया है। रेडियल सेक्शन लेने के बाद हमने बैक साइड से सेक्शन जो हमें लेना है वो लेना है डायगोनल सेक्शन, ठीक है, मतलब स्ट्रेट सेक्शन लेना है। और सेक्शन लेने के बाद ये हम कट गाइड 3 सेक्शन या 4 सेक्शन बैक साइड से लेंगे और इसमें ही हम इस कट को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे गाइज हमें लेंथ डिसाइड करनी है कि कितना करना है। गाइज इससे पहले अगर मेरे चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करो, ओके। गाइज हमने जो गाइडलाइन चूज़ की है यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करने हैं हमें हेयर मैम के, ठीक है, तो नॉर्मल ही रखने हैं, ओके, नॉर्मल में ही थोड़ा बॉब लुक देना है। ये देखिए कैसे मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको करना है। पहले गाइडलाइन लेनी है और गाइडलाइन के बाद आप उसी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सेक्शन निकालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड सेक्शन निकाला है। सेकंड सेक्शन मैंने निकालने के बाद फिर से मैंने मिक्स किया है हेयर के अंदर, अच्छे से मैं मिक्स कर रहा हूँ। और सबसे पहले गाइज जो भी शैम्पू करो आप सबसे पहले उसको हेयर वॉश कर लिया करो, ठीक है, हेयर वॉश के बाद ही आप हेयर कट करा करो क्योंकि आपका हेयर कट काफ़ी स्मूथली होने लगेगा, ओके। यहाँ पे आप लेंगे, ऐसे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है, और फिर उसको कट कर देंगे, ऐसे ही कट करना है। मेरा फ्रेंड वहाँ से मस्ती करता रहता है बैठा हुआ। चलिए गाइज हम अपने हेयर कट पर फोकस करते हैं। गाइज जो हमने गाइडलाइन ली है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट करेंगे। ये देखिए हमने लेफ्ट साइड का कंप्लीट कर लिया था, अब राइट साइड का हम गाइडलाइन मिक्स करेंगे जो हमने क्रिएट की है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट करेंगे। गाइज हमारी फिंगर की डायरेक्शन थोड़ा सा स्क्वायर में जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर में जाएगी जब हम एयर वाला सेक्शन लेंगे, ओके। अभी तो हमारा बैक साइड का है, मैं एयर वाले सेक्शन में आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें थोड़ा सा हल्का सा मूव करना है अपनी फिंगर को। ये देखिए गाइज यहाँ पे हमने जो गाइडलाइन ली है वो लेफ्ट साइड से मैं उसी गाइडलाइन के थ्रू यहाँ पे कट कर रहा हूँ। बहुत ही इजी है गाइज हेयर कट, आप स्टेप बाय स्टेप इस हेयर कट को फॉलो करोगे तो ईजिली आपके आपसे हेयर कट ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइट साइड की हमने गाइडलाइन ली है और इसको भी मिक्स करके हमने यहाँ पे कट कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से हेयर कट करना है, ठीक है, कहीं से भी कोई हेयर रह ना जाए, ओके, अनइवन ना आए, इसलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एयर का सेक्शन खोल रहा है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से ओपन करने के बाद ये देखिए हल्का सा मैं नीचे की साइड लूँगा अपनी फिंगर्स को, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं ऐसे कट कर दूंगा। यहाँ पे मैं स्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा एंगल हल्का सा मूव कर रहा हूँ, ओके, जिससे कि बैक साइड के शॉर्ट आए और फ्रंट के हमारे हल्का सा लॉन्ग आए, ठीक है। अब इसी में ही कस्टमर्स बोल देते हैं कि हमें फ्रंट से लॉन्ग नहीं चाहिए, थोड़ा सा लेयर चाहिए, जैसे कि इन्हीं कस्टमर्स ने हमें फ्रंट से हल्का सा लेयर मूवमेंट बोला था। उसमें क्या होता है, लेयर्स में फ्रंट के शॉर्ट हो जाते हैं और बैक साइड से लेयर फिनिशिंग लुक में आते हैं। ये देखिए मैंने कैसे मूव किया है, यहाँ पे ऐसे ही आपको भी करना है, अच्छे से मिक्स करना है, फिर से आपको बार बार चेक करना है। ये देखिए फ्रंट से हमने लिया है सेक्शन और सेक्शन लेने के बाद हम यहाँ पे गाइडलाइन डिसाइड करेंगे कस्टमर के अकॉर्डिंग, जितना भी उनको शॉर्ट करना है उनके फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग में ही रखेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे लेफ्ट एंड राइट में। उसके बाद हम हल्का सा इसको शार्पनेस लुक देंगे लेयर्स में, ठीक है, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन हेयर कट की तरह ऐसे हमने इसको हल्का सा लेयर्स में मूवमेंट कर दिया है, ठीक है। हमारा राइट साइड का हो चुका है, अब हम लेफ्ट साइड का करेंगे ऐसे ही। लेफ्ट साइड हम मिक्स करेंगे और हल्का सा फिर से लेयर मूवमेंट में कट कर देंगे। हमारा हेयर कट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था गाइज, ये देखिए आपके सामने आफ्टर लुक, काफ़ी अच्छा हेयर कट है।
आप इसको ट्राई कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी जाके फॉलो कर लो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गाइस, बाय बाय, एंजॉय दिस वीडियो, बाय बाय। तरह से हम कॉम कर लेंगे, बालों को अच्छी तरह से कॉम कर लेंगे, और कॉम करने के बाद हम बालों को वाटर स्प्रे फिर से कर लेंगे, और बालों को अच्छी तरह से कॉम करने के बाद हम कट करेंगे। तो जो मेरी क्लाइंट है, उन्होंने पहले बताया नहीं कि उनको स्टेप कटवाना है, तो उन्होंने सिर्फ कहा कि शॉर्ट कर दीजिए यू कट में। तो मैंने पहले कट कर दिया, लॉन्ग को शॉर्ट कर दी बाल को, और फिर जब शॉर्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा स्टेप भी इसमें डाल दीजिए, तो फिर बाद में मैंने फिर स्टेप भी डाल दिया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, पहले दोनों साइड से, एक साइड से आप रफली कट कर लें और दूसरी साइड से भी आप कट कर लीजिए इस तरह से। देखिए, पहले मैंने रफली कट कर लिया है बालों को, और कट करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा ना इस पे स्टेप भी आप दे दीजिए, तो फिर मैंने स्टेप थोड़ा सा हल्का इसके बालों पे डाला है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो बालों को पहले आप एयर टू एयर बाल को इस तरह से निकाल लें, और देखिए इस तरह से आप बालों को अच्छी तरह से निकाल कर इस तरह से आप सेटिंग क्लिप लगा दें, और फिर बालों में मैंने पतली सी इस तरह से एक साइड से लेयर लिया, और लेयर को इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कॉम करते हुए बालों को इस तरह से उठाया मैंने, और ऊपर की ओर ले जाते हुए, देखिए इस तरह से ऊपर की ओर ले जाते हुए इतना सा बाल मैंने कट कर दिया। फिर बालों को आप कॉम करते हुए ऊपर की ओर ले जाइए, और ऊपर जाते जाएगा बस थोड़ा थोड़ा बाल आप ऊपर से कट करते हुए चलिए ऊपर की ओर। फिर से एक बार और ले गए और कट कर दिए, देख सकते हैं कितना अच्छा कट आया है। बीच में आती हूँ इस तरह से, थोड़ा सा साइड से बाल को हम ले लेंगे, जो कटा हुआ बाल है उसे हम लेते हुए, गाइड लाइन को लेते हुए इस तरह से हम देखिए बालों को उठाएंगे और इस तरह से कट कर देंगे। फिर आप बालों को हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए बस जो भी गाइडलाइन हो उसके अनुसार हमें कट कर देना है। देखिए इस तरह से बालों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और कट कर देंगे। इस तरह से मैंने बाल को एक साइड से कट कर चुकी हूँ। थोड़ा वाटर स्प्रे भी कर लेंगे, और देखिए फिर से थोड़ा सा गाइडलाइन मैंने इधर से ले लिया, और इस तरह से बालों को आप फिंगर में उठाइए ऊपर की ओर ले जाते हुए, देखिए इतना एक्स्ट्रा ऊपर कट कर दें। फिर ऊपर की ओर हाथ को उठाते हुए जाना है, और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर देना है। मैंने तीन बार ऊपर हाथ को किया और इस तरह से कट कर देना, नोचिंग कर देना। देख सकते हैं आप कितना सुंदर कटिंग आया है।
अब साइड की ओर बाल को कट करेंगे। आगे से जो सेटिंग क्लिप लगाया था उनको खोलकर वाटर स्प्रे कर लेंगे, और जो भी पीछे से कटा हुआ था बाल, जो भी हमारा गाइडलाइंस को लेते हुए बालों को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और कट कर लेंगे। और इस तरह से फिर से हम बालों को उठाएंगे और कट करेंगे। एक साइड हमारा कट हो चुका है, दूसरी साइड भी आएंगे हम।